हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉग्स लाइफ। हमारे आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 5 पावरफुल डॉग ब्रीड्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है प्रेसा कैनेरियो। इन्हें डॉगो कैनेरियो के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और लॉयल डॉग ब्रीड है और ये बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग्स भी माने जाते हैं। इन्हें सिर्फ ट्रेनर ही ट्रेन कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम ओनर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इनका वेट 50-65 kg तक होता है। इन्हें हर रोज एक लॉन्ग वॉक और एक्सरसाइज जरूरत होती है। इनकी बाइट फोर 540 psi होती है। इनका जबड़ा बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता है। इन्हें पहले के जमाने में फाइटिंग के लिए यूज किया जाता था, पर अब ये एज अ गार्ड डॉग यूज किए जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से अपने ओनर और उनकी फैमिली और प्रॉपर्टी की गार्डिंग करते हैं। नंबर 4 पर है डॉगो अर्जेंटिनो। इनका ओरिजिन अर्जेंटीना से है। इन्हें 1928 में ब्रीड किया गया था। इन्हें गार्डिंग के लिए बनाया गया था। ये डॉग बहुत ही अच्छे हंटिंग डॉग भी माने जाते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल बड़े जंगली जानवरों का शिकार करने में किया जाता था, पर अब इनका यूज कई अलग अलग कामों में किया जाता है, जैसे कि सर्च एंड रेस्क्यू, पुलिस असिस्टेंट, सर्विस डॉग, गार्ड डॉग जैसे कई कामों के लिए इनका इस्तेमाल होता है। ये डॉग स्वभाव से ही थोड़े एग्रेसिव होते हैं, इसलिए इन्हें डेंजरस डॉग भी कहा जाता है और ये अपने एग्रेसिव नेचर के कारण कई कंट्रीज में बैन भी है, जैसे कि यूक्रेन, आइसलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। ये डॉग ब्रीड फर्स्ट टाइम ओनर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इनकी बाइट फोर 500 psi होती है। ये एक मस्कुलर डॉग ब्रीड है। इन्हें डेली 30-45 मिनट एक्सरसाइज की जरूरत होती है। इस डॉग की हाइट 24-27 inches होती है और इनका वेट 40-45 kg तक होता है। नंबर 3 पर है तिब्बतियन मैस्टिफ। इनका ओरिजिन तिब्बत से है। ये डॉग दिखने में किसी शेर से कम नहीं होते। इनकी हाइट 60-70 cm होती है और इनका वेट 50-100 kg तक बढ़ता है और इनकी बाइट फोर 552 psi होती है। इनमें डबल कोट होता है। ये एक लार्ज साइज माउंटेन डॉग ब्रीड है। ये डॉग बहुत ही जिद्दी, स्ट्रॉन्ग बिल्ड और डोमिनेंट होते हैं। क्या आप जानते हैं कि दो तिब्बतियन मैस्टिफ मिलकर एक लॉयन या टाइगर को हरा सकते हैं? इनका ज्यादातर इस्तेमाल गार्डिंग के लिए किया जाता है और ये अपने ओनर के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल होते हैं। नंबर 2 पर है कैन कॉर्सो। इनका ओरिजिन इटली से है। इन्हें इटालियन मैस्टिफ या इटालियन कॉर्सो जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये मैस्टिफ टाइप डॉग ब्रीड है। ये डॉग काफी मस्कुलर होते हैं। ये एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है। इनकी हाइट 23-28 inches होती है। ये डॉग ब्रीड फर्स्ट टाइम ओनर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये डॉग ब्रीड किसी गलत ओनर के हाथ में आ जाए तो इन्हें एग्रेसिव होने में टाइम नहीं लगता और फिर ये किसी भी जानवर या इंसान पर अटैक कर सकते हैं। पर कोई ऐसे ओनर इन्हें अडेप्ट करे जो कि डॉग से रिलेटेड एक्सपीरियंस रखते हैं और इन्हें ट्रेन और अच्छे से सोशलाइज करे तो ये बहुत ही अच्छे डॉग बन सकते हैं। ये एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है। अगर बात करें इनके वेट की तो इनका एवरेज वेट 40-50 kg तक होता है। कैन कॉर्सो एक छोटे घर या अपार्टमेंट में नहीं रह पाते। इन्हें रहने के लिए एक बड़े घर या बैकयार्ड की जरूरत होती है। कैन कॉर्सो बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है, पर इन्हें बचपन से ही ट्रेन और सोशलाइज करवाना जरूरी होता है। इनकी बाइट फोर्स 700 psi होती है। नंबर 1 पर है कंगल शेफर्ड डॉग। कंगल डॉग का ओरिजिन टर्की से है। ये डॉग्स इतने ताकतवर होते हैं कि इन्हें पालना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि ये डॉग अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो इन्हें कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। कंगल डॉग की बाइट फोर्स 743 psi होती है, जो कि सबसे ज्यादा मानी जाती है। कंगल डॉग की हाइट 28-31 inches तक होती है। बात करें अगर इनके वेट की तो इनका एवरेज वेट 45-60 kg तक होता है। कंगल डॉग को पालतू जानवरों को जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इन्हें अफ्रीका के लोग अपने जानवरों को शेर और चीते से प्रोटेक्ट करने के लिए पालते हैं। कंगल की सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये कितने ही एग्रेसिव क्यों ना हो जाए, ये अपने ओनर के लिए बहुत ही लॉयल होते हैं और ये अपने ओनर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है। इन्हें रहने के लिए एक बैकयार्ड या फार्म हाउस की जरूरत होती है। ये छोटे अपार्टमेंट में नहीं रह पाते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसे ही डॉग से रिलेटेड मजेदार वीडियोस आप देख सकें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।